हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पर मैं अक्षत के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो आज टिफ़िन में मैं उसके लिए पूड़ी और सब्ज़ी ही बनाने वाली हूँ और यही सबसे आसान लगता है, वरना तो फिर 2 मिनट वाली मैगी ही सबसे आसान दिखती है, बट वो हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। और वैसे भी अक्षत को अभी मैं इन सब चीज़ों से, फास्ट फूड वगैरह से ज़्यादातर टाइम दूर ही रखना चाहती हूँ। तो बस यही है और मैं उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे अभी सो रहे हैं और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे या तो कोई पतला सा स्वेटर पहन लूँ सुबह सुबह, या फिर कोई स्टॉल या शॉल ले लूँ। तो बस ये वाली ठंडक अभी है, थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो गई है। अक्षत के स्कूल जाने के बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के सीधे 7:30 बजे। और देख सकते हो यहाँ नेहा की पूजा आरती शुरू है भगवान की। तो कभी नेहा नहा लेती है पहले, कभी मैं नहा लेती हूँ, और ऐसे कर कर के हम लोग एक जन पूजा शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे जन भी अपनी पूजा पाठ डेली का जो रूटीन है वो कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और घर में एक अलग सी रौनक बनी रहती है किसी के रहने से, वरना जब एक दो लोग रहते ना तो मज़ा ही नहीं आता घर में। तो देख सकते हो पूजा पाठ हो चुका है सुबह का, और यहाँ पर आज भोग में नेहा ने पंचमेवा भोग। और यहाँ पर ओजस की मस्ती भी चल रही है और नेहा बाहर तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही है। उसके बाद मैं भी नहा करके पीछे पीछे आ गई हूँ और मैं भी सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ, तुलसी मैया को जल दे देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आज नाश्ते में आलू की पकौड़ियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि ओजस को आलू की पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन उसको आलू की सभी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने सबसे बोरिंग काम पकड़ लिया है, तो मैं मलाई से घी निकाल रही हूँ। मलाई से घी डायरेक्टली नहीं निकाल रही हूँ, पहले मैं मलाई से मक्खन निकाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका घी बनाऊंगी। तो आज एकदम फ्रेश ताज़ा घी बनने वाला है। और सच बताऊँ तो बहुत लोगों को मलाई का घी पसंद नहीं आता है, बहुत लोगों को वैसे ही जो मट्ठा वाला, मतलब दही जमा करके फिर उसका जो घी निकाला जाता है उसी वही पसंद आता है, बट मुझे मलाई वाला घी बहुत ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से देख सकते हो मैं घी इसका निकाल लूँगी और पकने देंगे इसको थोड़ी देर तक। जब इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब फिर इसको छान कर डिब्बे में भर लिया जाएगा। और अभी हम शाम को देखो कहाँ पहुँच। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पर ना पूरी फुल, मतलब क्या बोलूँ मैं, रुक जाओ, मस्ती चालू हो गई बच्चों की अगेन। ये बच्चे जहाँ इकट्ठे होते हैं ना वहीं लोग से ज्यादा देखो मेकअप करने में लगी हुई है और आज मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। इसलिए मुझे हमेशा कंपटीशन होता है कौन सुंदर लग रहा है, लेकिन वैसे ही छोटी लोग हमेशा ज्यादा सुंदर होती हैं। अब परी छोटी है तो परी ही सुंदर दिखती है। और ये देखो इधर हमारी मौसी जी तैयार हो रही हैं, प्यारी प्यारी नेहा बैठी हुई है उधर और इधर मौसी रेडी हो रही है, ये भी अपना लगी हुई है लीपने पोतने में। मुझसे आते ही मान कह रही है कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनी हो, साड़ी पहन के नहीं आई है। अब आपका ससुराल है, पहनी मेरा कौन सा यहाँ ससुराल है। ये फायदा है ना, तो आप पहनिए और नेहा तो साड़ी पहन के ही आई नहीं।
और यहाँ पर मौसी का चल रहा है मेकअप और भैया की और इनकी बातें चल रही हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं, हमारे बड़े मामा के बेटे, तो दोस्त देख सकते हो इनकी बात। परी परी इनका हाथ पकड़ लो, चलो हाथ पकड़ लो इसका। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिनके घर के फंक्शन में पहुंचे हैं वहां हमें दो बहुत ही ख़ास लोग मिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और जब मिल करके ना ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया सच में गोल है और हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए और भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मज़ा आया। आज हमारी प्रयागराज की एक दीदी हैं, वो भी हमको मिल गई हैं, काफ़ी दिनों बाद हमको मिली हैं। आंटी जी हमको मिली और हमारी जो बिट्टू है उनकी सासू माँ भी मिल गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा बिट्टू की सासू माँ से भी मिल करके। वो भी यहीं लखनऊ में ही रहती हैं और दुनिया गोल ही है सच में, कहीं ना कहीं जा कर के हम अपनों से मिल ही जाते हैं। तो बस यही हमारी बातें हो रही है और सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ये, बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हम इतने सारे लोगों से मिल जाएंगे फंक्शन में। क्योंकि आना जाना तो बहुत दिनों से था लेकिन मतलब ये नहीं पता था कि ये लोग इन्हीं के रिलेशन में हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐसे किसी से अचानक से मिल जाओ ना तो खुशी एकदम दुगनी हो जाती है, तो वैसी ही खुशी हम लोगों को हो रही। तो यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन, हम लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना खाने जाएंगे। तो यहीं पर भागवत कथा हुई थी, तो आज भागवत कथा का आखिरी दिन है, मतलब हवन हो चुका है, आज भंडारा है। तो बाहर देख सकते हो टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो भंडारे का आज कार्यक्रम है, सब लोग खाना पीना खाएंगे। और यहाँ पर देख सकती हो बेटू दीदी हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक अच्छी खासी गेट टुगेदर हो जाती है। तो हम सीधे आपको लेके चलते हैं खाने की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या क्या खाना बना हुआ है। तो आज भंडारे में देख सकते हो ये सारी सैलेड है जो रखी हुई है, और मैं पहले प्लेट नेहा के लिए लगा करके दे देती हूँ, तो वो आराम से बैठ के ओजस को खिला देगी और फिर मैं अपने लिए लूँगी, क्योंकि बच्चों को वो एक जगह बैठा के आराम से खिला दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो ये था सैलेड। और उसके बाद सब्ज़ी में पनीर की सब्ज़ी बनी हुई है, राइस बना हुआ है, एक कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई है और एक आई थिंक आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी हुई है। तो इस तरीके से यही सारा कुछ खाने में बना हुआ है। रसगुल्ले बने हुए हैं जो कि हर शादी फंक्शन कीर्तन भजन किसी में भी होता है, रसगुल्ले ज़रूरी रहते हैं, तो वो एक कॉमन डिश हो गई है। साथ में बूंदी का रायता बना हुआ है। पर देख सकते हो नेहा इन तीनों को बैठ करके खाना खिला रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेहा ने संभाल ली है। और अब मौसी यहाँ पर खड़ी हैं और मौसी की तो पूरी कॉलोनी के लोग ही हैं, तो ये फंक्शन मौसी की कॉलोनी में ही है और हमारे भी परिचय के हैं, मौसी के भी परिचय के हैं। तो बस ऐसे ये बहुत सारे लोग हमें जान रहे हैं, बहुत सारे लोग मौसी को जान रहे हैं, तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। और परी यहीं पर खड़ी हुई है, तो बस अब हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो मौसी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुक करके जाओ, बट अभी हम थोड़ा सा जल्दबाजी में हैं क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी है। जाते जाते सबसे एक बार फिर से मिल लेते हैं और आज की
इस पार्टी में भागवत कथा के भंडारे के पूर्ण कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। और हमारे ननिहाल में भी भागवत हुई, बट हम कहीं ना कहीं भागवत का हिस्सा बन गए, तो ईश्वर तो हर जगह एक ही होते हैं, वहाँ नहीं जा पाए। तो चलो फिर फाइनली सबसे लेते हैं विदा, और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग्स हो रहा है और आप लोग काफ़ी प्यार और सपोर्ट करते हो मेरे चैनल को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।